हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं आईक्यू लाइटनिंग लिमिटेड को। तो स्टॉक का प्राइस 418 के अराउंड चल रहा है और स्टॉक में कंसोलिडेशन का मोमेंटम देखने को मिल रहा है आज। तो स्टॉक की अगर बात करें तो बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई थी इसकी, ऑलमोस्ट 35% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था आईक्यू लाइटनिंग का, उसी दिन बना दिया था जिस दिन लिस्ट हुआ था ये, और कुछ टारगेट सेट करे थे। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो उसमें सभी कुछ कवर किया था कि फाइनेंशियल्स क्या थे कंपनी के, कंपनी का काम कैसा है, कितना प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है इनका, और इनके पास ज़्यादातर काम भी है वो भी फ़िलिप्स का ही आता है। ऑलमोस्ट 50% काम इनके पास फ़िलिप्स की तरफ से ही आता है। तो कंपनी का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल्स भी बताए थे। तो कहीं ईयर ऑन ईयर ग्रो ही हो रहा है इनका प्रॉफिट। तो और प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट इनका बहुत ज़्यादा आएगा, मतलब रेफ्रिजरेशन का भी है, लाइटनिंग से रिलेटेड, इसके बाद ये LEDs का भी है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है इनका। और अभी की बात करें चार्ट की, तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि बाय करें अभी इस लेवल पे, यहाँ से ऊपर जाएगा या और ज़्यादा गिरेगा, या होल्ड करके रखें। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, उन्होंने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिकॉज जिस दिन ये लेवल 476 फिर से निकाल के देगा तो आपके 500-600 के टारगेट्स ईजिली निकल के आएंगे। अब जो लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो उनसे एक ही चीज़ समझाता हूँ। चार्ट में आप देख रहे होंगे कि दो ट्रेंड लाइंस बना के रखी हैं रेड कलर की, उसके बीच में जैसे ही IPO लिस्ट हुआ था 392 के अराउंड, तो उसने एक बड़ी रेड कैंडल निकाली। ये 1 आवर का TF है और इसमें जैसे ही वहाँ से क्लोज होता है 1 आवर TF पे, फिर जो अगली कैंडल होती है वो रिटेस्टिंग के लिए आती है। रिटेस्टिंग के बाद फिर स्टॉक भागता है। सिनेरियो क्या होता है, 392 के अराउंड स्टॉक ने बड़ी कैंडल बनाई, उसके बाद वो एक रिटेस्टिंग इस चीज़ की थी कि अगर स्टॉक की ये जो बड़ी कैंडल बनी है ये अगर नीचे जाता ब्रेकडाउन का, तो फिर ये कहीं ना कहीं नीचे के टारगेट्स दिखाता कुछ टाइम के लिए। बट स्टॉक ने एक छोटी सी रिटेस्टिंग देखी, ऊपर के टारगेट्स दिखाए, तो वो लेवल क्रॉस कर दिया उसने 418 का। यही एक रीज़न रहा कि स्टॉक हमेशा भाग गया, इसीलिए भाग गया। और हमेशा आप देखोगे जब भी कोई IPO लिस्ट होता है, वो बड़ी कैंडल उसकी 1 आवर पर बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बिकॉज वो दो कैंडल जो दो ट्रेंड लाइंस मैच होती हैं उन्हीं से पता चल जाता है स्टॉक का मोमेंटम कहाँ जाने वाला है। और मार्केट जब भी बुलिश होते हैं आपने देखा होगा IPO सबसे ज़्यादा तभी आते हैं। सेम इसका भी रहा है, देखा जाए कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे थे तो बाकी चीज़ें भी अच्छी रही हैं, लिस्टिंग भी बहुत अच्छी हुई है, और पोटेंशियल है कहीं ना कहीं कंपनी में। अभी भी आप देख रहे होंगे कंपनी ने ऑलमोस्ट 476 का हाई बनाया, उसके बाद एक डाउनवर्ड मोमेंटम लगा, लोअर लोज लगते गए। अभी कोई ब्रेकआउट तो दे नहीं रहा है स्टॉक, बट ये नीचे ही ज़रूर आएगा। 392 का लेवल ये फिर से एक बार रिटेस्ट करेगा, उस टाइम पे पैनिक होने की बात नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं कि अभी होल्ड करें या सेल कर दें, तो जब इतना देख लिया, इतने नीचे आ गए हो, अगर आप ऊपर कहीं बाइंग थी, बिकॉज बाइंग लेवल्स मैंने भी इसके बहुत अच्छे बताए थे कि 400 पर ही बाय करिए अगर ये नीचे आएगा। नीचे तो ऑब्वियसली आना ही था, बिकॉज कोई भी स्टॉक जब इतना भाग जाता है एकदम से, तो वो कहीं ना कहीं एक अपना लोअर बनाता है और फिर कंसोलिडेट करके फिर रिटेस्ट करके फिर भागता है। तो वो होते हुए इसमें भी दिखाया, हर स्टॉक की यही कहानी रहती है, कोई डायरेक्टली भागता नहीं है। तो अगर ये 400 के लेवल्स पे आपको आए, इवन 390 तक आए, तो वो टाइम बहुत अच्छा है एक्यूमुलेशन के लिए, बिकॉज इसके टारगेट्स बहुत अच्छे निकलेंगे आने वाले टाइम में। 500-600 टारगेट आपको इजीली दिखाएगा। अभी के लिए स्टॉक और नीचे जाएगा 392 लेवल, एक बार रिटेस्ट करेगा, रिटेस्टिंग पे देख लेना कि अगर वहाँ पे रिटेस्टिंग फेल होती है तो ये नीचे के टारगेट्स दिखाएगा, अदरवाइज अगर रिटेस्टिंग पास हो जाती है इसकी, बिकॉज कोई भी स्टॉक को वो ब्रेकआउट देगा तो भी रिटेस्ट करेगा, और ब्रेकडाउन देगा तो भी रिटेस्ट करने ज़रूर आएगा कहीं ना कहीं। वहाँ पे आप देख लोगे अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है तो फिर वो नीचे के टारगेट्स दिखाएगा, तो उस टाइम पे तो फिर मैं यही कहूँगा 350 के अराउंड या 370 के अराउंड एक्यूमुलेट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा पोटेंशियल देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में इस स्टॉक में। बाकी आप देख रहे होंगे EMA एक्सपोनेंशियल्स आएंगे, जो उसका भी वो भी सपोर्ट ले रहा है कहीं ना कहीं स्टॉक अभी वहाँ पर, तो अगर यहाँ से भी रिवर्सल हो जाता है, बिकॉज 4-5 दिन से यहाँ कंसोलिडेशन भी बना रहा है थोड़ा स्टॉक, तो यहाँ से अगर रिवर्सल हो जाता है तो आप पाओगे एक थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर देखने को मिलेगा ही कहीं ना कहीं। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।